सो गाइस, मैं तो निकल पड़ा हूँ, अभी जा रहा हूँ पिकअप करने फॉर माय पेलियन पार्टनर। और अभी मैं निकलने वाला हूँ मेडिकल की तरफ, क्योंकि मैं निकलूँगा रंगापानी होके, क्योंकि सुना है कि जो बागडोरा क्रॉस करने के बाद घोषबुगुर तक रास्ता जो है थोड़ा सा ख़राब है, और रंगापानी से जाऊँगा तो थोड़ा सा रास्ता शायद अच्छा मिल सकता है, और मेडिकल की तरफ घुसूँगा तो वो वाला रास्ता शॉर्टकट ही पड़ेगा। सो चलते हैं, अभी तो अंधेरा है, टाइम भी अभी हुआ है कितना, अभी बजा है 4:27। सो चलते, सुबह होंगे, थोड़ा सा उजाला आने दीजिए, फिर आप लोगों से दोबारा मुलाकात करेंगे रास्ते के ऊपर। सो थंबनेल देख कर आप लोगों को पता ही चल गया होगा कम कहाँ जा रहे हैं हम लोग। आज का डेस्टिनेशन है बेलदा, खड़गपुर क्रॉस करने के बाद हम लोग आज का स्टे लेंगे, कल निकल जाएंगे वाइजैक के लिए। कौन सा वाला? सो फर्स्ट टोल नाका, यानी कि टोल प्लाजा, बिधाननगर टोल प्लाजा। अभी तो बहुत सारे आने बाकी है, होपफुली। सो लखनऊ इज 9:55, कोलकाता इज 5:27 एंड पूर्णिया इज 1:20 है। तो मुझे पूर्णिया की तरफ जाना है, मैं बंगाल टू बंगाल नहीं जाऊंगा, मेरा जो रूट होगा वो पूर्णिया, मतलब प्रॉपर पूर्णिया नहीं घुसूंगा, बाईपास, उसके बाद भागलपुर, उसके बाद आसानसोल, उसके बाद खड़गपुर, मेदिनीपुर, खड़गपुर, उस बेलदा। सो अभी जस्ट इस्लामपुर मैंने क्रॉस कर दिया, सेम था ट्रैफिक वाला, सुबह से भी ट्रैफिक मिल जाता है। कब ये इस्लामपुर वाला बाईपास स्टार्ट होगा तब जाके थोड़ा सा राहत मिल सकता है। सो अभी तक हम लोगों ने 100 किलोमीटर क्रॉस कर चुके हैं हम लोग, और 2 घंटा हो चुका है, तो पर आवर 50 किलोमीटर से एवरेज स्पीड है हम लोगों का। अभी तो ठीक है, हम लोगों ने जस्ट पांजीपारा क्रॉस किया, या फिर अभी भी क्रॉस कर रहे हैं बोल सकते हो। सो आगे चलते हैं, डालकोला से हम लोग सीधे चले जाएंगे पूर्णिया की तरफ मेन हाई रोड से। तो चलिए, दैट्स द किशनगंज रेलवे स्टेशन। काफ़ी लंबा जाम चल रहा है पीछे से भी, ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर के ऊपर से जाम चल रहा है, ऐसे ही चल रहा हूँ गाड़ी 20-30 की स्पीड में, 30 तो अभी चल रहा हूँ, पता नहीं जाम कब ख़त्म होगा। ये डालखोला का जाम है, फेमस जाम। सो यहाँ से लेना है हम लोगों को लेफ्ट, दाहिने तरफ भी रास्ता घूम के चला जाता है, इस मोड़ को क्या नाम बोलते हैं पता नहीं, बट यहाँ से रास्ता डिवाइड हो गया। ये पूर्णिया बाईपास है भागलपुर, यहाँ से 93 किलोमीटर और। सो चलते हैं, चलिए, रास्ता अभी तक ठीक ठाक ही है, ख़राब तो कुछ मिला नहीं, ऑलमोस्ट 180 किलोमीटर में आ चुका हूँ, अभी तक सब ठीक ठाक बढ़िया। हाँ, थोड़ा सा ट्रैफिक का इशू मिला मुझे, ट्रैफिक जाम है डालखोला में, तो बाप रे बाप बहुत ज़्यादा जाम था, वहाँ से साइड से निकालने के चक्कर में मेरा बैक का, सैडल बैक का लेफ्ट साइड का कवर थोड़ा सा वहाँ पर क्या बोलो होल हो गया है, एक ब्रिज में लग गया था। सो चले ट्रैफिक से निकलते हैं पहले। सो ये जो रिवर है कौन सा है पता नहीं है, एक ऑलरेडी रेलवे ब्रिज थे उसके साथ साथ और एक बनाया जा रहा है, वो ब्रिज तो बना छे। सो अगर किसी को पता है कि भागलपुर से पहले, मतलब लगभग 30-40 किलोमीटर पहले ये वाला कौन सा ब्रिज है, कौन सा रिवर है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना, अगर मेरे सब्सक्राइबर कोई भी भागलपुर से हो तो। काफ़ी लंबा ब्रिज है, वैसे काफ़ी अच्छा भी है ब्रिज। तो हियर इज़ द राजधानी, एक बार चलेंगे दिल्ली, चलो राजधानी का भी थोड़ा सा मज़ा लेंगे, गए नहीं कभी,
सो टाटा, अभी तुम अभी उधर जाओ, मैं अभी इधर जाता हूँ। किसी रोज़ जाएंगे आप लोगों के साथ ट्रेन के सफ़र में, राजधानी के सफ़र में। सो अभी हम लोग नौगछिया पहुँच चुके हैं। यहाँ से भागलपुरा कुछ किलोमीटर हो सकता है, मालूम नहीं एग्जैक्ट कितना किलोमीटर होगा, देखते हैं, ज़्यादा दूर नहीं होगा। फिर से ट्रैफिक, चलिए इस ट्रैफिक को भी क्रॉस करते हैं, इतना कर चुके थे इसको भी कर लेंगे। फिर भागलपुर का सामना करना पड़ेगा, देखते हैं वो वाला सीनारियो कैसा होता है। अरे जाम यार। A few moments later. पता नहीं मेरे को भी हो गया। तो अभी हम लोग थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह ले रहे हैं। नागिन सुबह खा के निकले थे, उसके बाद अभी तक निकले ही नहीं, खाए नहीं, सॉरी निकले नहीं, निकल गए थे ना, खाए नहीं। अभी थोड़ा सा स्नीकर्स, थोड़ा सा ORS का पानी, नॉर्मल पानी, और देखते कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह है खा के। फिर यहाँ से डायरेक्टली रन करेंगे, लगभग एक दो बजे तक डायरेक्टली चलाएंगे। उसके बाद शायद लंच के लिए सोचेंगे जगह देख के। एक्सीडेंट, कैसे टूट गया यार। सो हम लोग निकल पड़े हैं वहाँ से। क्या करें, आधा घंटा सोचा ब्रेक लेंगे, लेकिन हो गया ऑलमोस्ट एक घंटा, यही होता है। इसीलिए मैं नहीं रुकता हूँ, क्योंकि 5-5.5 घंटा मैंने कंटिन्यू चलाया, खींचा भागलपुर तक। अभी भागलपुर यहाँ से 15 किलोमीटर है, तो सोचा कि खींच लूँ पहले, इसलिए कुछ ब्रेक वगैरह कुछ भी नहीं लिया। हाँ, 2 बार मेरा GoPro हैंग हो गया था। हाँ, एक नया चीज़ मैंने हीरो 8 में नोटिस किया, मेरा GoPro 2 बार हैंग हुआ है। हीरो 8 में क्या ये प्रॉब्लम है? अगर किसी का भी सेम प्रॉब्लम हुआ है तो प्लीज़ मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। GoPro हीरो 8 मेरा दो बार हैंग किया, उसके बाद फिर उसको बैटरी निकल के फिर से बैटरी लगा के स्विच ऑन करना पड़ा, फिर जाके ठीक हुआ। दो बार सेम सिनेरियो, तो इस वजह से सिर्फ 2 बार रुके थे। और मेनली अभी तो सोचे थे आधा घंटा रुकेंगे, लेकिन 1 घंटा हो गया। तो चलिए आगे मिलते हैं। ब्रिज तो बड़ा ही लग रहा है, क्योंकि आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं, मुझे लाइट का जो लैंप पोस्ट जो है ना, काफ़ी दूर तक दिखाई दे रहा है। शायद ये गंगा रिवर है, ये गंगा माता है। चलिए इसको फास्ट फॉरवर्ड में दिखाते हैं आप लोगों को। तो ये हम लोग भागलपुर से बहुत टाइम पहले निकल के आ चुके हैं। ये भागलपुर दुमका वाला रोड है। मेरा बाइक का जो पीछे मैंने NS का जो मडगार्ड लगाया था एक्स्ट्रा, वो वाला मडगार्ड लूज़ हो चुका था रास्ता ख़राब होने के वजह से, उसका दो नट लूज़ हो रहा था। दो बार लूज़ हुआ। फर्स्ट टाइम जब लूज़ हुआ तो मैंने अपना टूल किट निकाला बैग से, फिर जाके उसको टाइट किया, लेकिन दो नट में से एक को टाइट कर पाया था, दूसरा वाला को टाइट नहीं कर पाया था। मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा था उस जगह पे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है वो जगह। फिर मैंने टाइट करके चला शुरू किया, फिर से दोबारा ढीला हो गया। फिर जाके मैंने गैरेज में दिखाया, वहाँ पर गैरेज वाले ने 2 वाशर डाल के एक्स्ट्रा, ताकि वो बार बार ढीला ना हो जाए, वाशर डाल के उनको टाइट कर दिया, बोला अब नहीं होगा। अब होप तो करते हो फुली ना हो, नहीं तो ऑलमोस्ट मैं बहुत लेट चल रहा हूँ शेड्यूल से। रास्ते पे इतना ट्रक्स, एक तो ये सिंगल लोड नहीं है, मतलब एक ही रोड पे 2 गाड़ी अप डाउन कर रहा है, सिंगल लेन नहीं है, हाईवे नहीं है, ऊपर से इतना ट्रक्स, बहुत सारा ट्रक्स। तो उस वजह से मैं अपना स्पीड, बाइक का स्पीड मैं पकड़ ही नहीं पा रहा हूँ। अभी जैसे कि 60 में चल रहा हूँ, मतलब 40-50 ऐसे चल रहा हूँ, उस वजह से टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है। सो यू कैन सी ये थोड़ा सा हिल तो नहीं, एक्चुअली टीला टाइप, शायद हम लोग झारखंड में हैं। लुकिंग नाइस, अच्छा लग रहा है। थोड़ा साफ कर लेता हूँ कैमरा का लेंस।
सो थोड़ा सा टीला टाइप है। सो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि नहीं, देखिए इस एरिया का पहाड़ थोड़ा सा अलग है हम लोगों के एरिया से, नॉर्थ बंगाल से। यहाँ पर पत्थर दिख रहा है, बड़े बड़े चट्टान, पत्थर तो नहीं एक्चुअली चट्टान दिख रहे हैं पूरा। सामने भी है, लुकिंग नाइस। ऊपर जाने का मन कर रहा था लेकिन आज बहुत लेट चल रहा है बॉस। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस नज़ारे को पीछे छोड़ते हुए, यानी कि आगे चलते हैं हम लोगों के डेस्टिनेशन के ऊँच, जो कि आज बेलदा। सो देखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। पता नहीं कैमरा उतना विजिबल कर रहा है कि नहीं उतना दूर, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है। जो भी हो मुझे तो अच्छा लगा। An hour later. Okay, हम लोगों ने अभी दोपहर का लंच किया, जस्ट अभी फिनिश करके हम लोगों ने फिर से राइड स्टार्ट कर दिया है। ऊपर आप लोग हिल देख रहे हो, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये थोड़ा सा ऊंचा जाता है, सो खाने के टाइम में मैंने ब्लॉगिंग नहीं किया, क्योंकि मैं जब खाने के लिए बैठा था तो मेरा शरीर जो है थोड़ा सा छोड़ दिया था, सुस्ताने का मन कर रहा था और खाना भी उतना टेस्टी नहीं था। एक ढाबे पे रुके थे, राइन होटल, इसलिए जितना हो सके खाया पिया और निकल गए फिर से। पेट अभी भी खाली है, क्या करूं। बट ये लोकेशन मुझे अच्छा लग रहा था, लग रहा है। सो यहाँ का जो सीनरी है, दुमका का जो ब्रिज है टूटा हुआ है। तुम ही जाओगे। देखो भार संभाल लेला, ठीक है। सॉरी रहेगा, ये तो हद हो गया। ऐसे ले जाते हैं, ये ब्रिज टूटा हुआ है, इस वजह से उधर से बहुत घूम के जाना पड़ता। यहाँ का लोग चार्ज करते हैं 50-60 जैसा हो, गाड़ी को क्रॉस करा देते हैं। अच्छा है, चलो गिराना मत भाई। सो ये रहा सिचुएशन, और न्यू एक्सपेरिमेंट। ऐसा कब से होकर रखा हुआ है? वैसे हो गया बहुत दिन से, हो गया दो महीना हो गया। अरे बाप रे, बाइक को उठा पाएगा क्या ऊपर? ये तो मैं सोच रहा हूँ, मेरा तो लगेज लोडेड है, उठेगा? ले यहाँ पर भी तो डेंजरस जहाँ से है। ऑफ रोडिंग टायर तो है, शायद तो उड़ जाए। आगे ले लो, थोड़ा आगे वाले ले लो भैया, थोड़ा आगे ले नीचे गाड़ी तो। टकरा बेर कोड़ी है जन पकड़े कुंडा पंद्रह टा खुचा से खुचा है ना छुट्टा छुट्टा
सो अभी जो सीन है वो है कि अभी टाइम हो चुका है, 5 बज चुका है, लेकिन अभी भी हम लोगों को 277 किलोमीटर जाना है। लगभग 6 घंटे का रास्ता अभी भी बाकी है, 5 तो लगभग 11 बज चुक जाएगा शायद, शायद नहीं डेफिनेटली बजेगा, क्योंकि रास्ता अगर अच्छा भी मिला अब तो सुबह के बदले जो रात में जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज का एक इशू होता है वो है कि रात को हम लोग गाड़ी ज़्यादा खींच नहीं सकते। तो अभी तो क्या करें, जाना ही पड़ेगा। सो सूरज देवता डूब चुका है, सूरज को आज उगते हुए भी देखा और डूबते हुए भी देखा। सो ये रहा झारखंड, झारखंड से हम लोग अभी तक निकले नहीं। झारखंड का रास्ता काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मेंटेन है, थोड़ा सा ऑफ रूट रास्ता है, मतलब ऑफ बीट जोन जो बोला जाता है ना, खाली खाली सा रास्ता है। रात को यहाँ पर आना ठीक नहीं होगा मेरे ख्याल से, जितना मैंने महसूस किया। वैसे पुलिस मिलिट्री का काफ़ी पहाड़ा है फिर भी। और हम लोग अभी निकल पड़ेंगे आसनसोल की तरफ। आसनसोल यहाँ से 50 किलोमीटर, एक बार आसनसोल घुस गए तो थोड़ा सा निश्चिंत हो जाएगा, क्योंकि आसनसोल वेस्ट बंगाल में आता है, तो वेस्ट बंगाल बॉर्डर हम लोग एंट्री कर जाएंगे। सो देखते हैं, होप फॉर द बेस्ट। सो फाइनली सूरज देवता डूब चुका है, आज के लिए उन्होंने अपना दिन को समाप्त कर दिया है, लेकिन मेरा दिन अभी भी बाकी है। दिन नहीं, मेरा जर्नी बाकी है, दिन मेरा भी ख़त्म हो गया है। सो अभी भी 248 किलोमीटर्स बाकी है। आसनसोल में अभी तक पहुंचा नहीं, आसनसोल क्रॉस करने के बाद जाके खड़गपुर, उसके बाद बेलदा, जो मेरा आज का मेरा डेस्टिनेशन, वहाँ पर मैंने अपना स्टे लिया हुआ है। सो देखते हैं, 11 बजे का अराइविंग टाइम दिखा रहा है, 11:35, और भी लेट हो गया। सो ऊपर से एक हाईवे जा रहा है और हम लोगों को लेना है लेफ्ट। अब शायद हम लोगों को ऊपर उठना पड़ेगा, मतलब फ्लाईओवर के ऊपर, होपफुली हाई रोड मिल जाए ताकि थोड़ा सा मैं खींच सकूं। मैंने मतलब इस टोटल 690 किलोमीटर में मुझे हाई रोड मिला है अभी तक, या फिर जो मिलने वाला है वो है 175 किलोमीटर। बाकी पूरा जो है मुझे मिला है अंदर अंदर वाला रास्ता, गांव गांव होते होते, मतलब वो स्टेट हाईवे था, नेशनल हाईवे नहीं था, अभी प्रॉपर हाईवे नहीं था। सो अभी मैं हाईवे पे उठ चुका हूँ। सो लेट्स गो, चलते हैं। सो रानीगंज से हम लोग निकल चुके हैं, स्टिल टू गो 199 200 किलोमीटर। बाप रे, रानीगंज में भी बहुत ज़्यादा भीड़ था, और ये ट्रेन जा रहा है, कौन सा ट्रेन, मालगाड़ी है। रानीगंज में बाप रे बाप, पूजा का, शॉपिंग का भीड़। अरे गूगल माता, कोई शॉर्टकट दिखाते, बाईपास दिखाते, आप तो एकदम टाउन के अंदर से लेते हुए गए थे, फट गया मेरा हाथ, उंगली दर्द करने लग गया था, क्लच पे दबाते दबाते। सो चलिए आगे चलते हैं, देखते आगे क्या सरप्राइज है मेरे लिए। ये कुछ तो है पावर प्लान कुछ करके, लाइट फ्लैशिंग हो रहा है, काफ़ी ऊंचाई पे है, धुआं निकल रहा है, पता नहीं क्या है, बट कुछ चुल्ली वगैरह तो है जिससे ऊपर से धुआं निकल रहा है, और काफ़ी हाइट पे है उसका, होगा कुछ, अगर किसी को पता है तो मुझे ज़रूर बताना। वैसे हम लोग अभी मेदिनीपुर की तरफ ही जा रहे हैं। 2000 years later. सॉरी फॉर द इंटरप्शन, कि इसके बाद कुछ फुटेज में दिखा नहीं पाया, क्योंकि मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाया था उस टाइम पे, क्योंकि मेरा गोप्रो का बैटरी ख़त्म हो चुका था, और इस फुटेज को मैं अभी इस टाइम पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वाइजाक ट्रिप कंप्लीट करने के बाद जब मैं घर में आया, तब आज मैं ऑफिस जाने वाला हूँ, तो इससे पहले मैं सोचा इस फुटेज को रिकॉर्ड कर लूँ, कि हम लोग के साथ एक इंसिडेंट हो गया था उस दिन, इसलिए ये एक्स्ट्रा सीन मुझे रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, ताकि आप लोगों को एक्सप्लेन कर पाऊँ क्या इंसिडेंट हो गया था। हम लोग रात को लेट कर पहुँचे थे, होटल पहुँचने के बाद एक सीनरी क्रिएट हो गया था, एक मतलब एक बहुत ही भद्दा सा एक सिचुएशन क्रिएट हो गया था, इस वजह से हम लोग बहुत लेट
तक हम लोगों को होटल में मतलब हम सो नहीं पाए थे, इस वजह से हम लोगों को नेक्स्ट दिन बहुत लेट हो गया था उठते उठते। और वाइजैक मतलब बेलदा से जो वाइजैक का जो ट्रिप है, उस ट्रिप में भी हम लोगों को लेट हो गया। हम लोगों को 19 घंटा लग गया था होल नाइट चेन्नई हावड़ा एक्सप्रेस वे के ऊपर मैंने राइड किया लाइफ में पहली बार, फर्स्ट टाइम। 19 आवर्स ऑलमोस्ट हम लोग ऑन रोड पे हाईवे के ऊपर ही थे। और पूरा रात जर्नी करने के बाद हम लोग अगले दिन मतलब हम लोग 7:30 बजे वाइजैक पहुँचे। क्यों हम लोग उतना लेट तक जर्नी किए और रात को राइड क्यों करना पड़ा, इसके लिए आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग देखना पड़ेगा। इस ब्लॉग में मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो बड़ा हो मतलब लंबा हो रहा है। तो होपफुली आप लोग नेक्स्ट ब्लॉग देखेंगे कि क्यों हम लोगों को 7:30 बजे मतलब सुबह को हम लोग पहुँचे वाइजैक और किस हालत में हम लोग ने राइड किया ओवरनाइट, और सिचुएशन क्या था, किस वजह से क्या रीज़न था। आई होपफुली आप लोग देखोगे। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, Day 2 यानी कि Part 2 जरूर आने वाला है जल्दी। तो मिलते हैं, अभी मैं ऑफिस जाऊंगा और ब्लॉग को पब्लिश करूंगा। टाटा।